कुछ दिन पहले आमिर खान के बेटे जुनैद को लेकर खबर आई थी कि वो तमिल फिल्म लव टुडे के हिंदी रीमेक में काम करने वाले हैं। अब उन्हें लेकर एक और बड़ी खबर आई है। जुनैद YRF की फिल्म महाराजा से अपना डेब्यू करने वाले थे। ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी। अब खबर आई है कि यशराज फिल्म्स ने महाराजा को डिब्बा बंद कर दिया है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद ये फैसला लिया गया। बॉलीवुड हंगामा में छपी खबर के मुताबिक आदित्य चोपड़ा फिलहाल दूसरे प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहते हैं, इस वजह से महाराजा पर काम बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट में कोट किए गए सोर्स ने बताया, महाराजा के काफी हिस्से शूट किए जा चुके थे। हालांकि यशराज ने फैसला लिया है कि वो इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट में लिखा गया कि महाराजा के बंद होने की खबर सुनते ही आमिर ने आदित्य को फोन किया। आदित्य ने भरोसा दिलाया कि फिल्म को पूरी तरह बंद नहीं किया है, बस अभी के लिए फिल्म पर काम रोका गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल YRF वॉर 2, टाइगर 3 और टाइगर वर्सेस पठान पर ध्यान देना चाहता है। इसी साल आई पठान ने कमाई के तमाम बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। उसके बाद मुमकिन है कि YRF अपना समय और पैसा ऐसी ही लार्जर देन लाइफ फिल्मों पर लगाना चाहता हो। इन तीन फिल्मों की रिलीज के बाद ही महाराजा पर लौटने का विचार है। महाराजा को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी कि जून 2021 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। कुछ मीडिया पोर्टल्स ने दावा किया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई, वो रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन अब ऐसा केस नहीं लग रहा। बॉलीवुड हंगामा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते फरवरी में ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। विजयनगर में भावी सेट भी बनाया गया था। फिल्म को सिद्धार्थ पी मल्होत्रा बना रहे थे, जो इससे पहले YRF के लिए हिचकी भी बना चुके हैं। महाराजा में जुनैद के अलावा जयदीप अहलावत और शर्वरी वाघ भी अहम किरदार निभाने वाले थे। बता दें कि महाराजा की कहानी 1862 के महाराजा लाइबल केस पर आधारित थी। करसन दास मूलजी नाम के एक गुजराती पत्रकार थे। गुजराती साहित्य में उनका नाम आदर से लिया जाता है। उन्होंने सत्यप्रकाश नाम के अखबार में एक धर्मगुरु के बारे में लिखा था। बताया कि वो गुरु अपनी महिला भक्तों का यौन शोषण करते थे। धर्मगुरु की तरफ से करसन दास के खिलाफ केस किया गया। महाराजा फिल्म के केंद्र में यही ट्रायल था। महाराजा को अभी के लिए भले ही बंद कर दिया गया हो, लेकिन जुनैद के कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। वो तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म लव टुडे के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। यहाँ उनके साथ फीमेल लीड होंगी खुशी कपूर। लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर अद्वैत चंदन इस फिल्म को बनाने वाले हैं। इसके अलावा जुनैद प्रीतम प्यारे नाम की वेब सीरीज भी शूट कर चुके हैं। इसमें आमिर खान भी कैमियो करते दिखाई देंगे, जो कि आमिर का डिजिटल डेब्यू होगा। इसके साथ इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।